गुड मॉर्निंग माय ओल्ड एयर स्टूडेंट्स, मैं हूँ ज्योति शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट स्टडी चैनल पे। और अपना यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी के काफ़ी टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपन नर्वस सिस्टम करेंगे और उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम करेंगे, फिर अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा हो जाएगा। एक एनिमल टिश्यू छोटा सा टॉपिक है 2 दिन का, उसके बाद वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है नर्वस सिस्टम। देखो, अपनी बॉडी के अंदर मैंने आपको जब वहाँ से याद करो, शुरू से जब मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अपन के अंदर अपन कंप्लीट क्या पढ़ते हैं कि बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो क्यों होते हैं, हाँ, इनका काम क्या है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसका क्या काम है, बॉडी को मतलब सेल्स को क्या देना, ऑक्सीजन देना, ठीक। फिर अपन ने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका क्या काम है, बॉडी को ग्लूकोज देना। फिर अपन ने पढ़ा हार्ट वाला, ब्लड वाला, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड जो है क्या करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। जो भी ग्लूकोज मिला है अपने को डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज मिला है और रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन मिला है, उसका क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, ठीक। तो वो काम कौन करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा, ठीक। उसको पंप करने का काम कौन करेगा, हार्ट करेगा, जो कि अपन किस में पढ़ चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ चुके हैं, ठीक। उसके बाद अपन ने शुरू किया एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या करता है, जितने भी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बनते हैं उन सबको बॉडी से रिमूव ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द बॉडी करते हैं, वो किसकी वजह से होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम करता है उसको, ठीक। फिर अपन ने शुरू किया अपना मूवमेंट एंड लोकोमोशन, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा कि मसल्स जो है बॉडी मूवमेंट कैसे करती है, लोकोमोशन कैसे होता है ना, मसल्स के अंदर किस वजह से मूवमेंट होता है और कौन कंट्रोल करता है, कौन कमांड करता है, ये अपन ने पढ़ा। उसके बाद अपन ने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा कि अपनी जितनी भी बोन्स हैं उनका कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, ठीक। फिर आज अपन पढ़ेंगे कि ये सारे कंट्रोल जो कर रहा है ना, कंट्रोल सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, मैं हर टॉपिक में आपको बताती हूँ सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से कंट्रोल करता है, कैसे कंट्रोल करता है, आज अपना टॉपिक यही है, ब्रेन, एक तरह से ब्रेन समझ लो अपना, एक टॉपिक, एक तरह से क्या टॉपिक, अपना नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर अपन नर्व्स पढ़ेंगे, जो कि किसका पार्ट है, अपने कमांड पढ़ेंगे आज अपन, बॉडी को जो कंप्लीटली कंट्रोल जो ब्रेन कर रहा है वो पढ़ेंगे आज अपन, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखें। देखो आज अपना टॉपिक है, लिखें, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, आज का अपना टॉपिक है नर्वस सिस्टम, ठीक। तो नर्वस सिस्टम जो है ना, सबसे पहले तो ये देखो कितने टाइप का होता है, नर्वस सिस्टम होता क्या है, पहली बात तो ये क्या होता है कि ब्रेन से, जैसे अपने, जैसे कोई भी बंदा है उसको किसी दूसरे बंदे ने क्या दिया, उसको गाली दी, मान लो उसको गाली दी, तो वो क्या, उसका कान ने गाली सुनी और वो कहाँ जाएगी, सिग्नल कहाँ तक जाएंगे, ब्रेन तक जाएंगे। तो जो लेके जा रहा है, जो सिग्नल्स को लेके जाएगा, उसको बोलते हैं अपन सेंसरी न्यूरोन। भाई सिग्नल सारे कौन लेके जाता है, न्यूरोन लेके जाता है ना। तो जो सिग्नल न्यूरोन लेके जा रहा है, वो कौन सा न्यूरोन सिग्नल लेके जाता है, सेंसरी न्यूरोन सिग्नल लेके गया ब्रेन तक, किसी ने ये वर्ड बोला है, गाली दी है, तो ब्रेन उस चीज को क्या करता है, ब्रेन उसको एनालिसिस करता है ना। ब्रेन के अंदर हर चीज का डेटा, अलग अलग एक कॉपी है, ऐसे समझ लो आप, एक तरह का एक रिकॉर्ड बना रखा है, जिसके अंदर वो एनालिसिस करता है कि गाली क्या होता है, फिर उसको समझ में आएगा कि ये तो बहुत बेइज्जती कर दी अपनी, तो वो क्या करेगा, वो कमांड देगा किसको, हाथ को, कि जाओ और उसको एक थप्पड़ लगा क्या। तो मतलब यहां से ब्रेन से सिग्नल आए, ब्रेन से सिग्नल भी कौन लाएगी, न्यूरोन लाएगी। तो जो ब्रेन से सिग्नल लेके आती है उसको बोलते हैं मोटर न्यूरोन, ठीक है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ब्रेन से जो सिग्नल आते हैं उनको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, और जो सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंसरी ऑर्गन से जो सिग्नल जाते हैं उनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। इतना समझ में आया। अब अपन देखते हैं नर्वस सिस्टम जो है वो कितने टाइप का होता है, ठीक है, चलो शुरू करें। नर्वस सिस्टम होता है अपना 2 टाइप का, कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, कौन कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा अपना होता है पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम,
दिख रहा है क्या? पहला कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा कौन सा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये समझो आप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है और पेरिफेरल क्या होता है। स्केल्टन सिस्टम याद करो, क्या बताया था? दो टाइप बताए थे, कौन सा? एक्सियल स्केल्टन और अपेंडिकुलर स्केल्टन। वही चीज है। सेंट्रल मतलब जो सेंटर पार्ट में जो है अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, भाई कंट्रोल कौन करता है? या तो ब्रेन, ब्रेन से सिग्नल आते हैं या फिर अपने स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल आते हैं। ठीक, तो इसके अंदर कौन से दो पार्ट आएंगे अपना? इसके अंदर दो पार्ट आएंगे अपने, कौन से कौन से? एक आएगा ब्रेन, ठीक है, और एक इसके अंदर अपना आएगा स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये क्या करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? ब्रिंग सिग्नल्स फ्रॉम बॉडी सेल्स टू ब्रेन। इसका क्या काम है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहां से सिग्नल्स, बॉडी के किसी भी ऑर्गन से सिग्नल लेके जाएगा और ब्रेन तक पहुंचाने का काम किसका है? अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। और ब्रेन उन चीज को क्या करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एनालिसिस होता है, ब्रेन की तरह ही काम करता है स्पाइनल कॉर्ड भी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, नर्वस सिस्टम कितने टाइप का? दो टाइप का। कौन सा? सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इतना कोई डाउट नहीं है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, फिर ये कितने टाइप का होता है? तो इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? कोई भी सेंसेस, जितनी भी सेंसेस है, मतलब टच का, कोई भी टच का सेंसेस है, हीट का सेंसेस है, कोल्ड का सेंसेस है, या फिर कोई कॉकरोच बैठ गया, या फिर कोई और सुनने का, देखने का, बोलने का, सारे जितने भी हैं किसमें पड़ेंगे? पेरिफेरल के अंदर पड़ेंगे। इतनी समझ में आई बात? अब देखो आगे, ये वाला देखो, ये दो टाइप के हो गए, एक तो सेंसरी, दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है। एक तो सेंसरी हो गया, ठीक है, और दूसरा कैसा हो गया? मोटर हो गया। भाई इसके अंदर अपन क्या कर रहा है, ये इसका काम क्या है? सिग्नल्स को लाने ले जाने का काम है, है ना। तो या तो सेंस करके इधर लेके जाएंगे या फिर ब्रेन से वापस लेके आएंगे। तो ये किसके बेस पे हो गया? इसके पोजीशन के बेस पे हो गया कि कहाँ प्रेजेंट है। अगर सेंसरी न्यूरॉन्स के पास प्रेजेंट है तो सेंटर सेंसरी, और मोटर से यहाँ से ब्रेन से गए आ रहा है तो कौन सा? मोटर। ये एक तरह के क्या है? नर्व्स हैं, ठीक है। अब सेंसरी और मोटर, अब सेंसरी के अंदर भी अपन दो टाइप देख सकते हैं। सेंसरी वापस से दो टाइप का हो गया, एक तो जनरल, कहाँ लिखूं, यहाँ से दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ऊपर लिखना पड़ेगा। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इतना समझ में आ गया ना आपको। अब पीएनएस मैं आपको क्लियरली समझा देती हूँ, यहाँ पे सिर्फ पीएनएस लिखते हैं। चल ही नहीं रहा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर ये क्या करता है? सिग्नल्स को लाने ले जाने का काम है इसका। तो ये दो टाइप हो गए इसके, एक तो सेंसरी, और दूसरा इसका टाइप हो गया कौन सा? मोटर। इतना समझ में आया? सेंसरी क्या करेगा? सेंस करता है, और मोटर सिग्नल्स को एनालिसिस के बाद ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से वापस लेके आता है। अब सेंसरी फिर से दो टाइप का है अपना, जनरल, जनरल कंडीशन, और एक है स्पेशल। अभी जनरल और स्पेशल क्या है? स्पेशल के अंदर देखो कुछ, अब जैसे कोई बंदा है, मैं हूं मान लो, तो मैं देख, मेरे को कुछ देखना है तो मैं कहां से देखूंगी?
आंखों से देख सकते हो ना, सिर से तो नहीं देख सकती। ठीक, ऐसे ही बोलने का काम है, टेस्ट का काम है, वो टेस्ट कहाँ से करेंगे, सिर्फ टंग से ही कर सकते हैं। सूंघने का काम सिर्फ नाक से ही कर सकते हैं। मतलब स्पेशल के अंदर अपने जो फाइव सेंस ऑर्गन है ना, सेंस ऑर्गन फाइव होते हैं ना, फाइव सेंस ऑर्गन, फोर सेंस ऑर्गन्स जो है वो किस में आएंगे अपने, कौन कौन सा? साइट वाला देखना, स्मेल, ठीक है, टेस्ट, और एक कौन सा बच गया, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी, पांच हो गए। ये सारे किसमें है अपने, स्पेशल के अंदर है। और जनरल के अंदर कोई भी हीट, कोल्ड है ना, हीट, कोल्ड, टच, भाई टच कहीं भी करो, बॉडी के कहीं भी टच करो तो टच का सेंस तो कहीं से भी जाएगा ना, ऐसे हीट का भी कहीं से भी जाएगा बॉडी के, और कोल्ड का भी। लेकिन टेस्ट का जो है, टेस्ट का सेंस सिर्फ कहाँ से जा सकता है, टंग से जा सकता है। देखने का सेंस सिर्फ कहाँ से जा सकता है, आंखों से जा सकता है। सुनने का सिर्फ कहाँ से जा सकता है, कान से जाता है, ठीक। लेकिन टच का, तो यहाँ टच करो तो भी जाएगा, हाथ पे टच करो तो भी जाएगा, पैर पे टच करो तो भी जाएगा। समझ में आई इतनी बात? अब आगे देखो, सेंसरी का हो गया। सेंसरी के दो बताए कौन कौन से, मिटा दिया मैंने तो, जनरल और स्पेशल, ठीक है। ऐसे ही मोटर के दो हैं। अगर मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आएंगे, वो वोलेंट्री मसल्स तक आएंगे, वोलेंट्री मसल्स, और एक आते हैं अपने इनवोलेंट्री मसल्स तक। कहाँ कहाँ तक आएंगे, वोलेंट्री मसल्स तक और इनवोलेंट्री मसल्स तक। देखो, ब्रेन ने, ब्रेन से सिग्नल आया मोटर न्यूरॉन से, और वो सिग्नल मान लो कि अपने हाथ तक आया है, अपने हाथ की मसल्स को उसने बोला कि उसको थप्पड़ लगाना है, उसने गाली दी है, उसको थप्पड़ लगाना है, तो ये न्यूरॉन कौन सा हो गया अपना, वॉलेंट्री। इसको बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम, इसका स्पेशल नाम है, जो वॉलेंट्री मसल्स तक आते हैं ना, उसका स्पेशल नाम है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या आएगा भाई, इसको अपन कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आउट ऑफ कंट्रोल है ये, अपने कंट्रोल, अपन अपनी विल पावर से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल तो इसको भी कौन करता है, ब्रेन ही करता है, लेकिन अपन अपनी विल पावर से इसको कंट्रोल नहीं करते, तो इसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। बात समझ में आई? नर्वस सिस्टम दो टाइप का, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस के अंदर अपना कौन कौन से हो गए, एक तो दो पार्ट बताए थे इसके अंदर मैंने आपको, सेंसरी और मोटर। सेंसरी के अंदर फिर से दो, जनरल और एक स्पेशल। मोटर के अंदर फिर से दो, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अपने कंट्रोल में नहीं है, जबकि वॉलेंट्री सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है, अपने कंट्रोल में है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये फिर से दो टाइप का है। अब इसकी एक टेबल बना लेना, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वैसे समझ में आ जाएगा आपको बताने से भी, है ना, भूलोगे नहीं आप इसको। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो वापस से दो टाइप का होगा, एक तो हो गया पैरासिंपेथेटिक, कौन सा हो गया, पैरासिंपेथेटिक, और एक हो गया सिंपेथेटिक। पैरासिंपेथेटिक जो है वो है नॉर्मल कंडीशन। पैरासिंपेथेटिक क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। दिख रहा है क्या आपको नीचे, नहीं दिख रहा, ऊपर लिखूं? देखो, एक मैंने बताया, इसको हटाई देते हैं,
सिंथेटिक। ठीक है, ये है अपनी, और दूसरी कौन सी है? पैरासिंपेथेटिक। ये है अपनी नॉर्मल कंडीशन। अब आप बैठ के आराम से पढ़ रहे हो, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है, ब्रीदिंग नॉर्मल है, सब कुछ आपके बॉडी के अंदर जो काम हो रहे हैं, सारे सिस्टम जो है वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं। तो ये कैसा है? नॉर्मल कंडीशन। अब अचानक से मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई, है ना, किसी ने डांट दिया है, फिर कुछ और किसी चीज़ का डर लग रहा है, कुछ और हो गया, तो वो कैसा हो गया? वो सिंपैथेटिक। उस कंडीशन में अपने को सिंपैथी की जरूरत होती है ना भाई, किसी के सहानुभूति की जरूरत होती है। तो ये कौन सी कंडीशन है? इसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है? फाइट और फ्लाइट कंडीशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? देखो, नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया कितने टाइप का, दो टाइप का होता है, पीएनएस और सीएनएस। ठीक है, सीएनएस के अंदर अपन पढ़ेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस के अंदर अपन कौन कौन से पढ़ेंगे? सेंसरी और मोटर। सेंसरी भी हो सकती है न्यूरॉन्स और मोटर भी हो सकती है। तो सेंसरी है वो कितने टाइप की होगी? पांच टाइप की होगी। और मोटर है वो, उसके वापस अपने ऑटोनॉमिक, और दो टाइप उसके वापस कर दिया अपन ने, कौन कौन सा भूल गई, दिमाग से निकल गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और जनरल। तो अब अपन इस पैरासिंपेथेटिक और एक इसका सिंपेथेटिक, ये किसके हैं? ऑटोनॉमिक के पार्ट है। ऑटोनॉमिक के कौन से पार्ट है? सिंपेथेटिक और पैरासिंपेथेटिक। पैरासिंपेथेटिक कौन सा है? जो अपनी जनरल कंडीशन है, जिसके अंदर अपने को किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं होती, मतलब अपन नॉर्मल कंडीशन के अंदर ब्रीथिंग रेट नॉर्मल है, अपनी हार्ट बीट नॉर्मल है, सभी चीज़ें नॉर्मल है, तो वो कौन सी कंडीशन है? पैरासिंपेथेटिक। सिंपेथेटिक के अंदर ये क्या है? फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन है। इसके अंदर किसी चीज़ का डर, या फिर कोई भय, कोई कुछ बड़ा जानवर देख लिया, फिर आग लग गई, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है? हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, सांसें तेज तेज चलना शुरू हो जाती हैं, है ना। तो ये कंडीशन, ये इस टाइम पे ब्रेन से क्या सिग्नल आते हैं? भाई कुछ करो, आग लग गई है, यहाँ से भागो, निकलो यहाँ से, है ना। तो ये कौन सी कंडीशन है? अपनी सिंपेथेटिक कंडीशन है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, अब एक पॉइंट और बता देती हूँ मैं आपको। जब अपन ब्रेन पढ़ेंगे तो इसके अंदर अपन कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, टाइप्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब अपन कुछ इसके क्या पढ़ते हैं? टर्म्स पढ़ते हैं, एक अपन इसमें पढ़ते हैं ग्रे मैटर, ठीक है, और एक अपन इसके अंदर पढ़ते हैं व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर ये किस बेस पे है? ये न्यूरॉन की पोजीशन के बेस पे है। जैसे कोई न्यूरॉन है, मान लो आपको मैं बताती हूँ, ये कोई न्यूरॉन है, ठीक है, तो इसकी सेल बॉडी जो होती है ना, यहाँ पे माइलिन सीथ नहीं होता है, तो ये होती है ग्रे कलर की। इसका कलर कैसा होता है? ग्रे। सेल बॉडी जो है वो कैसे कलर की होती है? ग्रे कलर की होती है। जो एक्सोन है इसके ऊपर माइलिन सीथ है, और माइलिन सीथ व्हाइट कलर की होती है, तो ये होती है व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर, सिर्फ एक न्यूरॉन को व्हाइट मैटर या फिर ग्रे मैटर नहीं बोलते, ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स के गुच्छे बने होते हैं। जैसे एक न्यूरॉन ये है, दूसरा यहाँ पे ये है, ठीक है, तीसरा है, ऐसे मान लो बहुत सारे न्यूरॉन्स के क्या हैं? गुच्छे बने हुए। तो ये वाला जो पार्ट हो गया ना, सेल बॉडीज वाला, इसको बोलते हैं ग्रे मैटर, ठीक है, और ये एक्जोन वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर बोलते हैं। ग्रे मैटर कौन सा? सेल बॉडी वाला, और व्हाइट मैटर कौन सा? एक्जोन वाला। अब सेल ग्रे मैटर जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ब्रेन, मैंने आपको बताया था ब्रेन की स्ट्रक्चर,
ऐसे होता है। तो इसके पेरिफेरल पार्ट पार्ट जो है ना, यहाँ पे ग्रे मैटर होता है और एक इसके यहाँ पे ग्रे मैटर होता है, सेरिबेलम के और सेरिब्रम के। ये वाला पार्ट जो है ना, ये ग्रे मैटर का होता है। यहाँ पे बहुत सारे एक्जोन है, ऐसे इनके डेंड्राइट एक्जोन निकले हुए हैं, यहाँ पे इनकी सेल बॉडी है ऐसे, ठीक है। ये ग्रे मैटर है, और ये वाला कौन सा है, ये व्हाइट मैटर है। एक बात याद रखना, इस व्हाइट मैटर के अंदर अगर सेल बॉडी पड़ी है कुछ, ग्रे मैटर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रैक्ट। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैक्ट, ठीक है। अब ये सारे यहाँ पहुंच गए किसके अंदर? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और एक यहाँ पे क्या होता है? ग्रे मैटर होता है। ये वाला कौन सा हो गया? व्हाइट मैटर हो गया। गैंग्लियन क्या होते हैं? गैंग्लियन किसको बोलते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर व्हाइट मैटर के अंदर कुछ क्या पड़े हों? ये पड़े हों, सेल बॉडीज प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं अपन गैंग्लियन। और ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? जब ब्रेन के अंदर व्हाइट मैटर पड़ा हो, सीएनएस के अंदर पड़ा हो तो बोलेंगे ट्रैक्ट, और पीएनएस के अंदर पड़ा हो तो बोलेंगे गैंग्लियन, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, अब इसके अंदर प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियाई। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक सिर्फ इतना है। बाकी ये थोड़ा सा खिचड़ी बन गई यहाँ पे, ये कल मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। एक बार के लिए आप डिवीजन याद कर लेना अच्छे से, और मेरे को कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना आपको वीडियो आज का कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो।